गली में आया भूल के जी चंगा भला सी मैं लुट फुट गया। स्वागत है दोस्तों आपका टॉप ओपन फैक्ट्स में। दोस्तों डंकी फिल्म का पहला गाना रिलीज हो चुका है जिसका टाइटल है लुट पुट गया। पहले पहले तो इस गाने का टाइटल जो है यानी कि नाम लुट पुट गया थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे इस गाने को मतलब सुना गया तो मतलब गाना तो बेहतरीन लगा। जिस हिसाब से लव एंगल दिखाया गया इस गाने में तापसी पन्नू का और शाहरुख खान का वो तो लाजवाब लग रहा है। वहीं पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। बात करें रिकॉर्ड्स की तो भैया रिकॉर्ड के मामले में तो इस गाने ने छप्पड़ फाड़ दिया। छप्पड़ ऐसे फाड़ दिया कि इस गाने ने अभी कुछ ही घंटे पहले रिलीज़ हुए हैं और कुछ ही घंटों में टोटल 2 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर चुका है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा जो 2 मिलियन व्यूज़ है ये हासिल कर चुका है ये गाना। और लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस गाने को मतलब देखा है। और लाइक्स की बात करें तो लाइक्स तो शाहरुख खान के हर एक गाने पे बेहतरीन मिलता है, क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से गायब थे इंडस्ट्री से, लेकिन जैसे ही वो वापस आए उसके बाद उन्होंने धमाल मचा दिया। लाइक्स की बात करें तो 3 लाख से भी ज़्यादा लाइक्स कुछ ही घंटों में इस गाने को मिल चुके हैं। और साथ ही साथ कमेंट्स तो भैया मतलब इतना प्यार मिल रहा है कमेंट्स पे, 26,000 से भी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं इस गाने पे और इतना प्यार मिल रहा है मतलब हर कोई जो है इस पे अपना जो है हार्ट वाली इमोजी डाल के कमेंट कर रहा है। तो कोई बोल रहा है क्या मस्त गाना है, तो इस टाइप के कमेंट्स भी जो हैं इस गाने पर आ रहे हैं। वहीं बात करें फिल्म की तो फिल्म जो है 21 यानी कि 21 दिसंबर रिलीज़ की जाने वाली है, जो कि ज़्यादा दिन नहीं बचा है। और पहला गाना भी रिलीज़ हो चुका है, ट्रेलर भी आ चुका है, तो अब धीरे धीरे जो है क्रेज़ बनाना इस फिल्म का स्टार्ट कर दिया है लोगों ने और फिल्म के मेकर्स ने भी। साथ ही साथ आपको बता दें कि गाने के अंदर जो है हमने थोड़ी बहुत फाइट सीन्स भी देखी और दंगल भी देखा, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन जो है शाहरुख खान का इस गाने के अंदर हम लोगों ने देखा। वहीं इस गाने की बात करें तो गाना जो है काफ़ी यूनिक था, काफ़ी अलग था, क्योंकि हर बार ऐसा गाना सुनने को नहीं मिलता है। लिरिक्स उतने खास नहीं थे अगर देखा जाए तो, लेकिन लिरिक्स पे जो शाहरुख खान ने परफॉर्म किया है और परफॉर्म करने के बाद जो है उस पे एक्टिंग वगैरह करके मतलब सारी चीज़ें की है लोकेशन के हिसाब से, वो काफ़ी बेहतरीन लगा, वो पब्लिक को खूब पसंद आएगा अगर देखा जाए तो। तो बस यही कहना चाहूँगा कि गाना काफ़ी अच्छा है। अब आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में लिख के अपनी राय जो है उसको ज़रूर बताएं। वहीं सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही हमेशा मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।